हे गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आप सब कैसे हैं? और अभी ना मैंने सबसे पहले तो मशीन चला दिया है क्योंकि कपड़े धुलना है। काफ़ी सारे कपड़े हैं माधव के, मेरे हस्बैंड के, तो वो वाले कपड़े मैंने चला दिए हैं मशीन में। और यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, जो ये करेला है और ये जो क्या कहते हैं इसको, पता नहीं हिंदी में, घी कोरोल, बंगाली में कहते हैं घी कोरोल, तो ये घी कोरोल मैं एक साथ पकाऊंगी। सोचा तो था कि अलग अलग पकाऊं, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या अलग अलग पकाना है, एक ही साथ पका दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज घी कोरोल और जो करेला है ना उसको मैं एक साथ पका रही हूँ, तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। वैसे तो करेले में थोड़ा सा अलग सब्जी दे दो ना तो फिर खाया जा सकता है, क्योंकि यार एकदम कड़वा चीज़ ना मेरे से होता नहीं है। मैं कभी कभार ना करेले में थोड़ा सा आलू दे देती हूँ, कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ, क्योंकि ना यार इतना कड़वा चीज़ मेरे से होता नहीं है। एक तो मैं कड़वा चीज़ बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती, और मतलब खाना ज़रूरी है क्योंकि ना हर चीज़ का विटामिन लेना शरीर में बहुत ज़रूरी है। अभी देखो अल्कोहल भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार उससे ताकत आता है ना, तो वो हम ले नहीं सकते, बट वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के बॉडी में थोड़ा ना थोड़ा अल्कोहल ज़रूर होना चाहिए। तो इसी हिसाब से ना मेरे अंदर ना वो कड़वा चीज़ था नहीं पहले, अब शादी के बाद वो कड़वाहट मेरे अंदर आ गई है, फिज़िकल भी आ गया है और खाने में भी आ गया है, हर चीज़ में आ गया है कड़वाहट। क्योंकि देखो अभी पहले मैं अकेली थी, फिर शादी हुई, फिर बच्चा हुआ, तो अब तो मैं पूरी कड़वा हो चुकी हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता है ख़ुद को संवारने के लिए, टाइम देने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है, काफ़ी सारे काम होते हैं गाइस, मैं आप सबको बता नहीं सकती। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना जो काम है ना, ये मतलब मेरा काम करते करते 12-1 बज जाता है, उसके बाद खाना बनाओ, फिर बच्चे को संभालो, कितना काम रहता है। मैं अभी इस टाइम, ये जो रिसेंट जो टाइम है ना, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मैं किसी से अभी बात भी नहीं कर सकती। मैं पहले अपने फ्रेंड लोगों से बात करती थी, एक एक घंटा दो दो घंटा बात करती थी, बुआ लोगों से बात करती, अभी इतना मतलब टाइम नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँ, तभी लोगों का फ़ोन आ जाता है और उस टाइम मुझे आता है गुस्सा, क्योंकि मैं खुद के लिए थोड़ा बहुत तो अपने लिए टाइम निकालूँगी ना, मुझे अपने लिए भी टाइम रखना है, तो यही हो जाता है। तो जब मेरे को कोई फ़ोन करता है मैं चुपचाप फ़ोन रख देती हूँ, मैं फ़ोन बिल्कुल भी टच नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मेरे को रेस्ट नहीं मिलता है, सुबह से डेढ़ दो बजे तक मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, नॉनस्टॉप मेरे को काम करना पड़ता है। अभी बीच में अगर इतना लेट नहीं होता, क्योंकि बीच में ना माधव उठ जाता है और हस्बैंड से ना होता भी नहीं है बहुत। देखो अभी जो पापा है ना, तो वो पापा ही है, उतना तो मम्मी के जैसे केयर कर नहीं पाते हैं, तो उतना मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है उनके साथ साथ। और वो अपना काम संभालेंगे ना, बच्चा संभालेंगे ना, अपने घर का खर्चा चलाएंगे, बहुत सारे टेंशन हो जाता है। तो इसलिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि लोगों के साथ में थोड़ा सा बात करूं या फिर मैं किसी को थोड़ा सा टाइम दूं। हमें खुद टाइम नहीं मिलता है अपने हस्बैंड के साथ बैठने के लिए। जब हम थोड़ा सा शाम को चाय पीते हैं तब भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करते कि तब भी हम थोड़ा वीडियो बनाएं, हर एक एक पल को हम कैचअप करें, जिसे कि आपको शेयर करें, या नहीं मिलता है टाइम हमें। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, तुम तो भूल ही गए हो, फ़ोन नहीं करते हो। मैं उस टाइम बोलती हूँ कि यार अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे पास ना टाइम नहीं मिलता है। तब लोग मुझे क्या बोलते हैं पता है, वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास, फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है। अब एक बात बताओ, वीडियो में क्या मैं डांस करती हूँ, क्या मैं मेकअप करती हूँ, क्या मैं घूमती हूँ वीडियो में? वीडियो में तो अपना काम धामी तो दिखाती हूँ। लोग ये नहीं समझते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि वीडियो के लिए टाइम मिल जाता है लेकिन बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वीडियो में करती क्या हूँ ये ज़रूर बताना आप सब। तो मैं उन रिश्तेदारों को बोलना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए टाइम रहता है तो वीडियो में मैं करती क्या हूँ, वीडियो में तो अपना घर का काम ही करती हूँ ना, वही तो, उसी से तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और वीडियो क्या मैं हाथ में ले लेके घूमती थोड़ी ना हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड है, मैं ट्राइपॉड में लगा के करती हूँ। तो यही सीन हो जाता है। बहुत लोग ना सोच समझ के बात नहीं करते हैं, बहुत लोग ना मतलब
देखो अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं, लेकिन जब वो लोग इतना बात करते हैं ना, तब मेरे को आ जाता है गुस्सा कि ये अपनी छोटी अकल की छोटे मुंह से छोटी बात कर देते हैं। देखो किसी ने मुझे, किसी ने बहुत सारे इतने नेगेटिविटी वाले कमेंट आते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि लोगों के अंदर इतनी घटिया किस्म की नेगेटिविटी कैसे होती है। ना मेरे को कोई जानता है, ना कोई पहचानता है, ना मेरे घर पे कोई आया, ना जाया, ना खाया, फिर भी लोग इतना दूसरों को जज करते हैं, टोन मारते हैं। तो सोचो वो लोग रियल ज़िंदगी में क्या करते हैं आस पड़ोस के साथ, अपने घर वालों के साथ। यार मैं, मुझे जानते तक नहीं है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, नॉर्मल यूट्यूबर हूँ, मुझे तक नहीं छोड़ते हैं। तो यार आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को कैसे छोड़ेंगे वो नेगेटिविटी लोग, आप ही लोग बोलना। तो मैं, मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग जो कमेंट करते हैं ना, करो यार, लेकिन किसी के लाइफ में ना जज मत करो, ठीक है। आप उसको बोल लो तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, ये हो, वो हो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के लाइफ में ना जज मत किया करो। हर किसी को तब ना लग जाता है। तो देखो अभी इस बात को यही छोड़ देते हैं। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा अपने बच्चे को मतलब टाइम देने के लिए। अभी माधव थोड़ा रो रहा था तो मैं उसको ना पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा जो पूरा बॉडी है ना पूरा गीला है, गाउन वाउन सारे गीले हैं, तो मैं उसको पकड़ भी नहीं सकती। मैं उनको बोल रही थी यहाँ पे लेके आओ, अगर मुझे देखेगा ना तो फिर वो शांत हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत लेके आ जाते हैं मेरे सामने, तो तब वो ना थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अभी वो ना मुझे पहचानने लगा है। मैं ये सोचती हूँ अगर वो मुझे, देखो बच्चे तो माँ को पहचानते ही हैं, लेकिन वो प्रॉपरली अगर माँ क्या होता है वो समझ गया ना, तो फिर मेरा सारा खेल ख़त्म, कि मेरा पल्लू छोड़ेगा ही नहीं, मैं उसको छोड़ के कोई काम कर ही नहीं सकती। वैसे तो मुझे पहचानता है कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो माँ जो यूज़ नहीं कर पा रहा है, जब वो यूज़ मुझे कर पाएगा, मतलब अपने माँ को, कि वो समझ पाएगा कि ये मेरी माँ है, मैं इनके साथ रह के हर चीज़ को आसानी से जीत पा रहा हूँ, तभी वो मेरे को परेशान करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मम्मी जब बाथरूम जाती है तब भी बच्चे खड़े हो जाते हैं बाथरूम के दरवाजे में, मम्मी मुझे अंदर आना है, ये वो रोते रहते हैं, जब सोते हैं तब परेशान करते, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती अपने माधव के लिए। मैं चाहती हूँ कि यार ये सब ना करे मेरा बेटा, क्योंकि बहुत ही गड़बड़ सीन हो जाएगा। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं दूसरा कोई काम करूं, तो मैं ये चीज़ नहीं जाती हूं। और अभी तो माधव धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और काफ़ी ज़िद्दी भी हो रहा है। ज़िद्दी मतलब क्या बोलूं मैं आप सबको, इतना छोटू सा बच्चा है, बहुत ज़िद्दी है, बहुत मतलब परेशान करता है, परेशान मतलब सोता नहीं है, उसकी आँखों में नींद रहता है लेकिन वो सोएगा नहीं, उसको चाहिए घूमना, वो सोएगा, घूमते घूमते सोएगा। तो मैं ये आदत उसको लगाना नहीं चाहती, क्योंकि कभी ना कभी मेरे हस्बैंड अगर नहीं रहेंगे घर में, कहीं पे गए, रिलेटिव के घर पे गया, कहीं काम से गए, तो तब मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं उसको लेके चल नहीं पाती हूँ। तो मैं ले तो लूँगी उसको, लेकिन मैं उसको लेके ना चल नहीं पाऊँगी, और यही प्रॉब्लम हो जाता है, चल नहीं सकती उसको लेके। तो मेरे हस्बैंड अधिकतर लेके चलते हैं। तो चलो अभी इस ब्लॉग के ही कर देते हैं। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।